रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तो भगवान हम ब्रह्मास्म याद रखो, ब्रह्मा तुम हो रचना का तुम खुदा, खुद खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। तो बच्चा है वो, और कैसे लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किससे से नाचेगी, दिए जा रही है मेडिटेशन की शिक्षा दे रही है, ये हमारे भारत के प्रगति के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। नमस्कार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि हर बार एक नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जो विज्ञान के क्षेत्र से हैं। आप हैं डॉक्टर शरद जी, जो कि मुंबई से पधारे हैं। भाभा अनुसंधान केंद्र में आप वैज्ञानिक हैं, 37 वर्षों से आप वहां पे कार्यरत हैं और वहां के कृषि नाभिकीय और जैव तकनीकी विभाग के आप अध्यक्ष हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। यहाँ आकर के डॉक्टर काले जी कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपका प्रथम बार आगमन हुआ है, तो विशेष करके मैं पहले ये जानना चाहूँगा किस उद्देश्य से यहाँ आगमन हुआ आपका? मेरे लिए कोई भी विश्वविद्यालय एक मंदिर समान है जी। और ये तो बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आके एक विशेष अनुभव कर चुके हैं, मैं भी वो अनुभव कर चुका हूँ। मुलाकात का, इस विज़िट का एक उद्देश्य ये था कि आपके विश्वविद्यालय में इतने सारे लोग आते रहते हैं, उनके लिए खाना परोसा जाता है, उस खाने में बहुत सारे चीज़ें फेंकी जाती है और ये सारी फेंकी जा गई चीज़ें प्रकृति में हम उसका निपटान कैसे करें, इसका एक वैज्ञानिक तरीका हमने ढूंढा है और उस तरीका बताने के लिए, उस तरीके का इस्तेमाल करें यहाँ करें और उससे वो जो मूलतत्व उस उन त्याज्य पदार्थों में बंदिस्त है, उस अपशिष्टों में बंदिस्त है, उनको एक बार मुक्त करके फिर नए आने वाले धान के लिए, नए आने वाले फलों के लिए उनको प्रकृति को वापस दे, ये संकल्पना लेके मैं यहाँ आया हूँ। और ये जो तकनीक हमने विकसित किया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से, अच्छी तरह से विश्वविद्यालय में हो, यही मनोकामना मेरी है। बिल्कुल। तो यहाँ जब आप आए तो आपने देखा, वैसे तो हर स्थान पे डॉक्टर काले जी आपने देखा होगा, जहाँ सब्जियाँ हम बनाते हैं काटते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा अवशेष उसका रह ही जाता है, या इतना बड़ा यहाँ पे जनसमूह आता है, 15-20-25 हज़ार के करीब लोग आते हैं, तो लाजमी है कि थोड़ा भोजन आदि बच ही जाता है। तो इन सभी चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि पुनः इस्तेमाल किया जाए, प्रकृति को वापस किया जाए जो भी इसके तत्व हैं, और साथ ही यदि संभव है तो इसे ईंधन भी बनाया जाए, तो इस पे क्या कार्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया गया है आपके नेतृत्व में, और कहाँ कहाँ आपने इसका सफल प्रयोग किया है? ये जो सारे जो अपशिष्ट पदार्थ आपने बताए जी, ये जो किचन में रसोई में जो निकलते हैं, अगर आप देश की तरफ देखेंगे तो देश में कई बार दुख होता है कि रास्ते पे नजर जाती है तो सब जगह कूड़ा फैला हुआ है, कचरा फैला हुआ है जी। ये क्यों होता है? क्योंकि शायद हम कई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं प्रकृति के प्रति। ये प्रकृति के किसी चीज़ को कूड़ा कहने का अधिकार हमें नहीं दिया है। अगर आप प्रकृति को और देखें तो प्रकृति के शब्दकोश में कूड़ा शब्द नहीं है। आप देखिए, कोई पत्ता गल जाता है तो जब वही पेड़ के नीचे उसे खाद का रूप ले लेता है, उसी खाद से उसके मूल तत्व मुक्त होके वही वनस्पति को वापस मिलते हैं, नया पत्ता आ जाता है। तो प्रकृति में कोई कूड़ा नहीं है, तो फिर हमारे विश्वकोश में, हमारे शब्दकोश में कूड़ा शब्द आए कहाँ? ये हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, यही गलती हम सुधारना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई आप जो ये कूड़े, जिसे कूड़ा कह रहे हो, जिसे कचरा कह रहे हो, उसमें बहुत सारी ऊर्जा है। आपने बहुत सुंदर बात कही है डॉक्टर काले जी कि कूड़ा शब्द, शायद ये शब्द ही गलत है। मैं कहीं एक स्लोगन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आई एम समथिंग बिकॉज गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज। तो गार्बेज शब्द शायद परमात्मा की भी डिक्शनरी में नहीं है। ये शब्द बिल्कुल नहीं है, आपने सही बात कही। तो ये लोगों को हम यही बताना चाहते हैं, इसका अर्थ आप
समझ लीजिए कि केले का पौधा जो होता है, केले का वृक्ष बन जाता है, हमारे लिए 400, 500, 600 केले बनाता है, लेकिन वो 400, 500, 600 केले बनाने में उसे कितनी, उसका बड़ा पेड़ हो जाता है, उसमें बड़े बड़े पत्ते आ जाते हैं, पूरा उसका संसार उसमें होता जाता है, और उसमें से सिर्फ 10% या 15% फल हम खाते हैं, तो जो बाकी 80-85% उसमें जो मूल तत्व है वो प्रकृति को वापस देना भी जरूरी है, क्योंकि 10% हमने खा लिए, 5% छिलके के स्वरूप में आ गए। एक बात आप सोचिए कि जो छिलका, जो इतनी अच्छी तरह से केला पैक बंद करके हमारे पास लाते हैं, इतना अच्छा पैकिंग शायद हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रकृति की अनुपम एक देन है अनुभव, और हाथ धोए बिना आप उसे खा सकते हो। तो ये छिलका जिसमें केला होता है तो हमें उसकी कोई शर्म नहीं आती, लेकिन केला खाने के बाद क्या इतना अचानक बदल हो जाता है हमारे विचारों में कि उसे हम कूड़ा कह देते हैं और फेंक देते हैं बाहर। हम ये नहीं जानते अगर ये बाहर फेंकेंगे तो कल के आने वाले केले को छिलका नहीं मिलेगा, और हमारे फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको केले खाने नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने वो छिलकों का निपटान ठीक तरह से नहीं किया। क्योंकि आप देखिए संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति मतलब मट्टी, जल पावक मतलब हवा, गगन मतलब स्पेस, और समीरा मतलब तेज, ये सारे मिलके जो सृष्टि बनी है इसमें हरेक वस्तु का, हरेक तत्व का अपना अपनी जगह है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें जगह किसकी है या किसकी इम्पोर्टेंट है, किसकी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सभी का अपना रोल है। जैसा एक चक्र चलता है उसमें आरे होते हैं, हर आरे का एक महत्व होता है, एक भी आरा अगर टूट गया तो चक्र टूट जाता है। वैसे ये प्रकृति की जो श्रृंखला है, प्रकृति में मूल तत्वों की एक श्रृंखला है, ये मूल तत्वों की श्रृंखला चलती रहनी चाहिए, और ये हमने किसी को कूड़ा कह के उसे कूड़ेदान में ना डाल के उसे डंपिंग यार्ड पे फेंक के मानव ने एक बड़ा अपराध किया है प्रकृति के प्रति। जी, तो अब क्या करें? वास्तव में काले जी, अब तक हमें इस बात का बोध नहीं था। आपसे बात करने से पहले, अभी से मैं कहूँगा कि 10 मिनट पहले तक मैं भी कूड़ा शब्द इस्तेमाल किया करता था, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उसे वेस्ट मान के फेंक देते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि अब तक हमारी यही कह लें कि एक प्रथा चली आ रही है, हमें उसके बारे में एजुकेट नहीं किया गया है। तो क्या किया जाए इस चीज का, कैसे इस्तेमाल करें? सही सवाल किया आपने। देखिए, हम लक्ष्मी पूजा के दिन मेरी माताजी कहा करती थी कि लक्ष्मी के साथ साथ झाड़ू की पूजा होनी चाहिए जी। क्योंकि झाड़ू और लक्ष्मी, झाड़ू को अलक्ष्मी कहती थी वो, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों सगी बहनें होती है और दोनों का सह अस्तित्व होता है। इसका मतलब क्या है कि आप पहले आपकी डिक्शनरी से कूड़ा शब्द हटाइए, आप उसे संपदा कहिए। मैं विश्वविद्यालय को भी यही एक विनती करूंगा कि जहाँ उन्होंने कचरा पात्र लिखा है वहाँ प्रकृति संपदा पात्र लिखिए, लोगों के देखने की दृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि हम अगर कूड़ा कहेंगे तो फेंकना चाहिए, लेकिन संपदा कहेंगे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये तो हमारे मन में पक्का है, तो पहले उसे संपदा कहिए, और वो संपदा ऐसी रखिए, उसके अलग अलग करने की जरूरत नहीं, अलग अलग रखी है। जब आपको किचन में कोई प्लास्टिक में, कोई प्लास्टिक की थैली में सब्जी आती है, तो प्लास्टिक की थैली और सब्जी के जो हम काटे हुए जो फेंकने वाले भाग है उसको इकट्ठा मत डालिए, प्लास्टिक के लिए एक अलग बकेट रखिए, और अपने जो रसोई से जो निकलता हुआ जो छिलके आदि, जिसे स्रोत कहूँगा मैं, तो कूड़े को आप स्रोत कहिए, तो ये स्रोत छिलके आदि ये सारे एक हरे बक्से में रखिए, और जो प्लास्टिक है वो उनको अलग रख दें, उसको सफेद बक्से में रखिए। तो आपका वर्गीकरण हो गया, आपको वर्गीकरण करने की जरूरत नहीं, वर्गीकरण उसे अलग रखने की जरूरत है। और अगर हम इस तरह से कांच अलग रखें, धातु अलग रखें, प्लास्टिक और पेपर अलग रखें, और रसोई का ये जो अपशिष्ट है वो अलग रखें, तो हर एक चीज के लिए उसकी रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रांकन जो कीमत है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप किसी प्लास्टिक के बैग में चावल डालिए और वो बाहर फेंकिए, तो जो रैक पिकर हो वो भी आदमी इंसान होता है। एक बात मैं जानना चाहूँगा काले जी, घर में आमतौर पे एक ही डस्टबिन होता है हमारे पास, अब घर में हम इतने सारे डस्टबिन, कम से कम दो रखिए,
कम से कम दो रखिए, गीले के लिए और सूखे के लिए। तो डॉक्टर साहब मैं विशेष यही जानना चाहता था कि आमतौर पे अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि भाई घर में जो भी हमारे पास, चलिए अब कूड़ा शब्द हम नहीं कह रहे हैं, जो भी प्रकृति की देन है उस चीज़ को हम यदि फेंकने भी जाते हैं तो आमतौर पर वहाँ पर सभी चीज़ें फिर से मिक्स हो जाती हैं, तो व्यक्ति फिर उन्हें अलग अलग क्यों रखे? क्या ऊपर के स्तर पर जैसे हमारे नगर पालिका है, नगर निगम है, यदि गवर्नमेंट इस प्रकार के सिस्टम वहाँ सेट कर देती है तो शायद ये एक प्रकार से जागृति आएगी लोगों में कि भाई इसे फिर से हमें रिसाइकल करना है, प्रकृति को देना है, तो शायद वो अलग अलग रखें, जिसकी आज शायद कोई जागृति ही नहीं है। बिल्कुल सही बात की आपने। मैं विश्वविद्यालय से ये बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ हर एक जो अपशिष्ट है उसका इस्तेमाल हम यहाँ करके दिखाएंगे। आपने जो बात कही कि मैं अलग रखता हूँ, बाहर जो नगर पालिका के लोग आते हैं दोनों को मिक्स करके लेके जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विशेष सर्कल है। अगर नगर पालिका को जाके पूछो तो वो बोलते लोग सेग्रीगेट नहीं करते, लोगों को बोलो तो वो बोलते नगर पालिका इकट्ठा ले जाती है। तो बात दोनों की सही है, अपनी अपनी जगह दोनों की सही है, और एक बात गलत है कि दोनों उसके सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या जागृति कहाँ से, मतलब स्रोत कहाँ हो काले जी, इस पर तो हम विशेष करके अभी आप देखिए, ये सबसे जिसे हम विकेंद्रित स्वरूप से निर्माण हुआ प्रश्न है कि मेरे घर में कितना कचरा निकलता है, 200 ग्राम, आपके घर में कितना निकलता होगा, 200 ग्राम, लेकिन आप 40, 50, 100, 1000 घरों से फिर उसका कुछ टनों में बदला हो जाता है। वो टन का जैसे बम्बई में 6,700 टन कचरा निकलता है और ये 6,700 टन रिसोर्स जो है, स्रोत है, वो डंपिंग यार्ड पे रोज जाते हुए मुझे बहुत दुख होता है। तो ये जो चीज़ है ये हर एक को समझानी है कि भाई आपसे शुरू होता है, इसलिए आप उसे अलग रखिए और फिर आपके जो एरिया है उस क्षेत्र में आपके जितने घर आपके पहचान वाले हैं उनको बताइए ये हम अलग रखेंगे, और नगर पालिका को जाके बताइए हमारे वार्ड में ये अलग ही कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर काले जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी कि हम, ठीक है, एक एक व्यक्ति से शुरुआत होनी चाहिए, वार्ड से शुरुआत होनी चाहिए, नगर पालिका नगर निगम से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन जैसे हमारे यहाँ परिवार नियोजन वाली जो बात है केंद्र सरकार ने अडॉप्ट की हुई है और वो हमारे यहाँ बिल्कुल दूरदर्शन पर दिखाई जाती है, रेडियो चैनल्स हैं उस पर उसका क्या इसका महत्व है, दो ही बच्चे होंगे तो क्या फ़ायदा होगा आदि आदि, तो यदि इस लेवल पर यदि ये बात पहुँचाई जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी पहुँचाई जा सकती है और जागृति जल्दी आएगी? एक तो काम आप कर रहे हैं अभी जी, तो आप ये मुलाकात द्वारा लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे तो काफ़ी लेवल पे ही काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों के सहकार्य की ज़रूरत है। और मेरा विश्वविद्यालय में आने का एक कारण ये है क्योंकि आपके पास इतने डेडिकेटेड लोग हैं कि एक एक आदमी जैसे 100,000 लोगों के बराबर का है। अगर वो वापस जाके कहेगा कि देखिए ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में कोई भी कचरा नहीं है, कचरे का नामो निशान भी नहीं है, कचरे को संपदा कह रहे हैं, कितना बड़ा फर्क होगा देखिए विश्व में। ये एक एक जगह अगर ऐसा हो रहा है वो विश्वविद्यालय में हो रहा है जहाँ ब्रह्म कुमारी का जो एनर्जी लेवल्स यहाँ चल रहे हैं वो एनर्जी लेवल देश में फैलने में मुझे नहीं लगता कोई देर लगेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से जैसे कि आध्यात्म का प्रकाश सारे संसार में जा रहा है वैसे ही एक सुंदर संदेश ये भी जाएगा। एक विशेष बात इससे जुड़ी हुई मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर काले जी आपसे कि इस प्रकार से जैसे सेपरेट सेपरेट आपने कहा कि ये सब चीज़ें कर ली गई, तो आपने किस प्रकार से इनका सदुपयोग किया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी कि इसकी महत्ता क्या है, क्यों करें और क्या फायदा इसे होगा प्रकृति को? ये जो कांच और धातु जो होते हैं जी, उनको अपने अपनी कीमत होती है। जैसे आप कोई भी स्क्रैप जिसे कहते हैं, स्क्रैप लेके जाइए, उस स्क्रैप को आपको 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो से पैसे मिलते हैं, ताकि लोहे की कीमत 30 या 35 रुपए होगी, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो कांच और धातु को तो वैसे भी रिसाइकल पुनर्चक्रांकन वैल्यू है। अभी इसमें जो बचता है और जिससे गंदगी फैलती है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान होता है, वो है रसोई से आने वाला, विशेषता जो बचे हुआ खाना है, फेंका हुआ खाना है, खराब हुआ खाना है, इससे बहुत तकलीफ होती है जी। इसमें सारे जैसे कुत्तों की संख्या बढ़ती है, सूअरों की संख्या बढ़ती है, शहर गंदा दिखने लगता है, शहर में शहर का आरोग्य धोखे में आ जाता है। तो
ये इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट विकसित किया है जी। ये जो पुराना गोबर गैस प्लांट था उसमें गोबर जाता था, काउडन जाता था और उससे से गैस निकलती थी। वास्तव में एक बहुत अच्छा तकनीक है ये। और जब मैं मेरे MSc में था तब मेरे एक प्रोफेसर थे गोडबोले करके, उन्होंने कहा था कि आप एक दिन देखो ये गोबर गैस पूरे विश्व पे राज करेगा। और ये इनका सपना मुझे सपना लग रहा था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो सपना नहीं था, वो सच्ची बात थी। क्योंकि बायो एनर्जी जिसे कहते हैं, जैव ऊर्जा जिसे कहते हैं, ये प्रकृति में सबसे पुरानी ऊर्जा है जी। हम कहते हैं कि ये अपारंपरिक है, कभी कभी मुझे हंसी आती है, सौर ऊर्जा को हम अपारंपरिक कहते हैं। इतना पुराना सूरज, इतनी पुरानी उसकी ऊर्जा, ये पारंपरिक है। ये कल की आई बिजली अपारंपरिक है, लेकिन ये आज पारंपरिक बन शायद ये रहे ना रहे, लेकिन वो तो हमेशा रहेगी। तो उसे अपारंपरिक ठहराने का हक किसने दिया हमें? लेकिन ठीक है, बात थोड़ी अलग हट गई। वापस आते वो जैव जैसे अपशिष्ट है उनको हमने गोबर गैस प्लांट में डाला, लेकिन गोबर गैस प्लांट में हमने काफी चेंजेस की है। जैसे पहले मिक्सर रखा है जी। जैसे घर में हम चटनी करते हैं वैसे हम ये कूड़े की चटनी करते हैं, क्योंकि कूड़े हमारे लिए फूड हो गए, अनाज हो गए, तो उसका हम वो चटनी बनाते हैं। उसमें पानी मिला के वो गोल एक अंडरग्राउंड टंकी में चला जाता है, वहां हम उसे हवा देते हैं, एरेशन जिसे कहते हैं, उस हवा दे के और थोड़ा गर्म पानी दे के उसको हम पकाते हैं। तो वो पकने के बाद उसमें से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उसका जो घोल बनता है वो दूसरे टंकी में चला जाता है, जहाँ वो अनेरोबिक टंकी है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं देते, उसमें गैस निर्माण होता है, बायोगैस निर्माण होता है। बायोगैस का जो प्रोपोर्शन होता है 75% तक मीथेन होती है और 25% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऐसा जो बायोगैस बनता है वो ईंधन के स्वरूप में इस्तेमाल हो सकता है और इसे आप बिजली में कन्वर्ट कर सकते हो। तो विश्वविद्यालय में तो इतना सारा रसोई चलती है, तो यहाँ हम ईंधन के स्वरूप में उसका इस्तेमाल करेंगे और जो बचा हुआ वो शेष खाद करके बाहर आता है। तो आप एक टन से आप शुरू कीजिए, तो एक टन से आपको 30 किलोग्राम, मतलब 2 LPG सिलेंडर का इतना इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं, इतना मीथेन गैस मिलता है और 70 किलोग्राम के आसपास खाद मिलेगा और बाकी जो 150 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में वापस जाएगा, ताकि वनस्पति उसके आने वाले अनाज बनाने के लिए इस्तेमाल करे। तो ये पुनर्चक्रांकन पूरा हो जाता है। बहुत सुंदर, मतलब इसका आपने विशेष प्रयोग भी किया है और भारत के कई स्थानों पे आप इसे कर भी रहे हैं। भारत में अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और कई सारे प्लांट्स है वो अभी 2 महीने में शुरू होंगे और उससे भी और प्लांट्स बन रहे हैं। बहुत सुंदर। कितने प्लांट बनना ये मेरे लिए अहम बात नहीं है, लेकिन लोगों को ये बात अच्छी लगने लगी है, यही बहुत अहम है। जी जी, और वास्तव में ये बात अच्छी लगने जैसी है, इसीलिए अच्छी लग रही है। और लोगों के पास और कोई वास्तव में स्रोत है भी नहीं। हम देख रहे हैं कि ईंधन भी समाप्त होते चले जा रहे हैं, तो वास्तव में एक हमारे पास बहुत सुंदर, हम पारंपरिक ही कहें कि एक हमारे पास ऊर्जा का सुंदर स्रोत है। और जो चीज़ें हम वेस्ट कर रहे हैं उसे ही क्यों ना हम रिसाइकल करें। और एक प्रकृति ऋण की बात आती है, निसर्ग ऋण की बात आती है कि प्रकृति ने हमें ये देह दिया है, प्रकृति ने हमें बचपन से अब तक बहुत कुछ दिया है, दे रही है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें उन तत्वों को हम उसे वापस करें जिसने, जो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये निसर्गरुण जिसे हम इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने निसर्गरुण रखा हुआ है। निसर्गरुण मतलब आपने जो प्रकृति के ऋण की बात की वही है कि प्रकृति से लिया हुआ कर्जा प्रकृति को वापस करे। और ये करते समय आपको ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए कि पर्यावरण की जो समस्याएं है वो पर्यावरण की समस्याएं सबसे ज़्यादा हमारे देश में नज़र आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम अपना जो पर्यावरण से नाता है वो तोड़ चुके हैं। हम इतने शायद स्वार्थ में उलझ गए हैं, गए 30-40 साल में अगर हम देखें तो पर्यावरण में क्या हो रहा है इसका कोई किसी को वो कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी सारा जो कूड़ा कह के वो जाता है वो प्रकृति में उसका विघटन होता रहता है, उसमें से उतना मीथेन निकल के हवा में चला जाता है और वो मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत जहरी गैस है, बहुत विषैला गैस है। और जैसे 21 गुना कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में, जो उसे वैज्ञानिक मात्रा में जिसे कहते हैं 21 गुना वो खतरनाक गैस है, वो हवा में चला जा रहा है। अभी मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूँ कि वो आप गैस पकड़े और उस गैस को जला दे तो
ये पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो तकलीफ हो रही है वो भारत में सबसे ज़्यादा होती है। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि बाहर वाले कहते हैं, आप कैसे कहते हो। मैं तो ज़रूर कहूँगा, जो गलती करते हैं हम वो गलती करते हैं, और वो गलती सुधारना यही विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है कि कोई आदमी पूरा तो नहीं, पुरुषोत्तम तो नहीं होता, और पुरुषोत्तम बाद में विश्वविद्यालय में जाके बनता है। तो ये संदेश मैं ज़रूर लोगों को देना चाहूँगा कि आप कूड़े को कूड़ा मत कहिए, आप कूड़े को निपटान कीजिए। और ये विश्व जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका जो हमारा उसमें योगदान है उसे कम कीजिए। जी, ये बहुत सुंदर बात आपने कही है ब्राता जी, और बहुत सुंदर लगा कि हम कैसे इन चीज़ों का सदुपयोग कर सकते हैं। शायद जागृति की आवश्यकता है, और इस माध्यम से भी लोग अब जागरूक होंगे, आपका प्रयास भी सतत बना हुआ है। अब इस फील्ड के अलावा, चूँकि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, यहाँ आने के पश्चात आपने देखा होगा विशेष प्रोजेक्ट के लिए तो आप आए ही हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर के जो एक यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण है, यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है, जो राजयोग सिखाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि विज्ञान और अध्यात्म, मैं वैज्ञानिक हूँ जी, मेरे हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से एक ही फर्क है, जिसे हम समझते हैं उसे विज्ञान कहे जाते हैं, जो नहीं समझता है, थोड़ा आकलन के बाहर है, उसे हम अध्यात्म कह देते हैं। और वो अध्यात्म की खोज में हम विश्वविद्यालय पहुंच जाते हैं, कई जिनकी श्रद्धा जिधर हो वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये पहली बात हो गई। ये जो यहाँ आने के बाद एक प्रसन्न वातावरण, एक अच्छा माहौल, ये जो यहाँ दिखाई जाता है, इससे जो तरंग निकलते हैं, इसमें जो तरंग शक्ति होती है, जिसे वेवलेंथ कहते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे एनर्जी कहते हैं, ये तरंग शक्ति जो है, ये तरंग शक्ति अगर विश्व में सब तरह से सब जगह एक लय में फैली जाए तो उसका बहुत ही फायदा होगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे उपनिषदों ने बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। हमारे आइंस्टाइन भी वही कहते हैं कि आप इस विश्व का एक पार्ट हो, आप खुद को हटाइए, फिर ये इस विश्व में क्या चल रहा है इसका कोई वास्ता नहीं रहता। अगर आप खुद को हटाइए तो ये मुलाकात चल रही है नहीं चल रही है, विदेश में क्या हो रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं रहता हमसे। तो आप अगर ये समझने के लिए इतने इम्पोर्टेंट है तो आपका भी कुछ रोल है जी। और वो विश्वविद्यालय में आप मेडिटेशन के माध्यम से सिखाते हो, हम वैज्ञानिक होने के नाते विज्ञान के माध्यम से सिखाते हैं। आइंस्टीन ने एक बात कही थी डॉक्टर काले जी कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चले तभी समाज का कल्याण हो सकता है, तभी समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो विज्ञान अपना कार्य कर रहा है। तो आज के जीवन में हम देखते हैं लोगों को तो भौतिकवाद के पीछे ही ज्यादा भागे जा रहे हैं, लेकिन अध्यात्म कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। आपको क्या नहीं लगता कि अध्यात्म को भी साथ लेकर के चले तो फिर समाज में हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही बात की। ये जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं तो चूक गई है। वो अपने देश में हम ज्यादा मार्क्सवादी लोग पैदा कर रहे हैं, मतलब जिनको मार्क्स चाहिए। मैं कम्युनिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ज्यादा मार्क्स चाहिए ऐसे लोग हम पैदा कर रहे हैं विद्यार्थी। अब आप जैसे भी लाओ, ये इनके इन प्रकार है, लेकिन हमें ज्ञानवादी विद्यार्थी चाहिए जो ज्ञान मिले जी। और ज्ञान जिसको मिलता है वो मार्क्स के पीछे दौड़ता नहीं है जी। दूसरी चीज जो आपने कही कि भौतिकवाद के पीछे पड़े है, क्योंकि पैसों का वैल्यू जो है वो अहम महत्वपूर्ण बन गया है कि जो ताकि उसके लिमिटेड मर्यादित वैल्यू होती है। मेरे हिसाब से पैसे की कीमत सिर्फ दो वक्त की रोटी अगर ठीक मिले और घर के हमारा एक अच्छा घर रहे, उससे ज़्यादा घर की पैसे की कोई कीमत नहीं। उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो चिंता ही ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन इतना अगर पैसा मिले कि जो आपको स्वस्थ रखे, क्योंकि आपका शरीर अच्छा रखना ये भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि कोई कर्तव्य करने के लिए शरीर का अच्छा होना अच्छा है। शरीर का अच्छा नहीं होगा तो आप कर्तव्य नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने आपको जिसलिए भेजा है, जो मैं अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहा था, ये अहम ब्रह्मास्मि मतलब किस लिए आपको भेजा है, जो भी आप काम कर रहे हैं दिल से करो, डिवोशन से करो, निष्ठा से करो, तो अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसमें मेरा कोई
स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई भी आप हवन करते हो तो इदम न मम करके हवन करते हो, ये मेरा नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है। ये दोनों भावना जब आपके मन में पैदा होगी तब ये जो तरंगे है, ये जो विश्वविद्यालय से आती हुई मेडिटेशन की तरंगे है, विज्ञान से आती हुई तरंगे है, दोनों का योग के मिलाप होगा और एक अच्छा संदेश विश्व को जाएगा कि ये। और एक बात ध्यान में रखिए कि जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है वो कार्य अगर आप करते रहेंगे तो ये जो और सुंदर बना के आप छोड़ जाएंगे और वही ईश्वर आपसे चाहता है। बिल्कुल, शायद इस चीज़ को मिस कर रहा है व्यक्ति कि वो समझ नहीं पा रहा है कि संसार में आया क्यों है, उसका मूल कर्तव्य क्या है। वो सुख शांति के पीछे भाग तो रहा है, उसकी तलाश तो कर रहा है, लेकिन मुझे कहाँ से प्राप्त होगा इसका ज्ञान, इसका बोध उसे नहीं है। तो जो चर्चा शायद हमारी हो रही है कि अध्यात्म की बात, क्योंकि आइंस्टीन जी भी जब कभी उनको किसी चीज़ की मतलब कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है इसका समाधान, तो वो भी कहा करते थे कि मैं साइलेंस में चला जाता हूँ, एकांत में चला जाता हूं और वहां मुझे इसका समाधान मिल जाता है। शायद आज इस आध्यात्मिक साइलेंस की लोगों को आवश्यकता है ताकि खुद को समझ सके और वास्तव में परमात्मा को भी समझ सके। एक बात ध्यान में रखिए, आध्यात्मिक साइलेंस जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। जी, जो साइलेंस में ऐसा आदमी चला जाता है, जैसे हम विनोबा भावे कहते थे मैं सूक्ष्म में चला जाता हूँ, या आइंस्टाइन कहते थे मैं साइलेंस में चला जाता हूँ। साइलेंस में आपकी पूरी मेडिटेशन ये शक्ति है, मेडिटेशन के द्वारा जो आपको शक्ति मिलती है वो वहाँ एकत्रित होती है और उससे आपके प्रश्न सुलझ जाते हैं। हम सारे उलझ जाते हैं इसलिए क्योंकि हम उस तरफ से देखते नहीं है, लेकिन वो उलझना सुलझने में बदल जाएगा अगर ये थोड़ी दृष्टि में परिवर्तन आएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय है डॉक्टर काले जी, जो राजयोग की शिक्षा दे रहा है, जो आध्यात्म की शिक्षा दे रहा है, जो मूल्यों की शिक्षा दे रहा है, अंत में यही जानना चाहूँगा कि इसकी आज के समाज में आज के सभी लोगों को कितनी आवश्यकता है, ये आप महसूस करते हैं? जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के बिना हम आधा मिनट भी नहीं जी पाएंगे, उतनी ही आवश्यकता इसकी है। क्योंकि आप इसे मेडिटेशन, अगर आपको मेडिटेशन शब्द से अच्छा नहीं लगता तो आप साइलेंस कीजिए, आप साइलेंस शब्द अच्छा नहीं लगता तो एकत्रित शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। शब्द इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये जो आप काम कार्य कर रहे हो, ये जो राजयोग की शिक्षा यहाँ दिए जा रही है, मेडिटेशन की शिक्षा दे रही है, ये हमारे भारत के प्रगति के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। इसके बिना भारत प्रगति नहीं कर पाएगा जी। ये तो बिल्कुल सही बात है। कविताओं में हमारे बच्चन साहब ने, हरिवंश राय बच्चन ने एक अच्छी कविता लिखी है जी। जो बसते हैं उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, लेकिन जो उजड़े हैं उनको फिर बसाना कब मना है, अंधेरी रात में दिया हाथ में लेना किसने मना किया है। और ये दिया आप इस माध्यम से दे रहे हो तो इसकी ज़रूरत बहुत है जी। और मैं यही शुभकामनाएं देता रहूँगा कि ये आपका कार्य और ज़ोरों से चले, क्योंकि इसको इसकी देश को बहुत आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर काले जी, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो बीड़ा उठाया है उस कार्य को जन जन तक पहुंचाएं, हर एक तक ये जागृति आए और इस ऊर्जा को, जिस चीज़ को हम वेस्ट समझ के, गार्बेज समझ के या कूड़ा समझ के, आज से शायद हमारे दर्शक भी कूड़ा शब्द यूज नहीं करेंगे, अच्छा। जो प्रकृति की संपदा है उस रूप में उसे देखेंगे, समझेंगे और पुनः उसे रिसाइकल करेंगे। आपके कार्य के लिए भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये भी हम आशा करेंगे कि आप पुनः पुनः बारंबार यहाँ पधारें, बारंबार हमसे चर्चा करें और इस बात को आगे तक पहुँचाएं, क्योंकि विज्ञान और आध्यात्म दोनों के मेल से ही शायद विश्व को हम सतयुग श्रेष्ठ युग बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, आप थे डॉक्टर शरद काले जी, जो कि भाभा अनुसंधान केंद्र से पधारे हुए थे। आपने विशेष बातें जो हमारे सम्मुख रखी वो यही कि किस प्रकार हम वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, उन चीज़ों को पुनः हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी हैं पुनः उसे रिसाइकल करने की आवश्यकता है, जिससे बहुत सारी समस्याएँ दूर की जा सकती हैं। और मूल रूप से ये भी कि हम स्वयं से जुड़ें, क्योंकि विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम स्वयं से
जोड़ते हैं, जब स्वयं का उत्थान और विकास करते हैं, तभी हम दूसरों को भी मूल्य दे पाते हैं, चाहे वो लोग हों चाहे प्रकृति हो। इसलिए आए स्वयं में बसें और स्वयं को जानते समझते हुए प्रकृति को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते चलें, स्वर्ग बनाते चलें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।